हेलो दोस्तों, आज आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ। हड़प्पा सभ्यता यह पहले हड़प्पा सभ्यता से पहले यह भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा को उससे पहले विद्वान के अनुसार जो मत था वो वैदिक सभ्यता, क्योंकि सब वैदिक सभ्यता को सब लोग क्या प्राचीन सभ्यता मान रहे थे। जितने विद्वान थे वो सब वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता जो जब उत्खनन हुआ, हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ, उसके बाद ही हड़प्पा स्थलों से जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ उससे पता चला कि इसी हड़प्पा ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो हड़प्पा जगह का नाम है जहाँ से हड़प्पा की कुछ जो उत्खनन किया गया उसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ, वहीं से पता चला कि हड़प्पा जो है बहुत ही पुराना सभ्यता है और उसे वैदिक सभ्यता से ही बहुत ही पुराना सभ्यता माना गया। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में पता चलता है हड़प्पा नामक स्थल से, जहाँ पर एक विद्वान नामक चार्ल्स मैसन नामक विद्वान ने उनको जब उगाए वहाँ पर, तो उनको बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ। वो उसे यहाँ से ये पता चला, चार्ल्स मैसन के द्वारा ये पता चला कि ये जो स्थल है बहुत पहले से दबा था, जो एक नदी के किनारे, वो नदी का नाम हमको नहीं लिखे इसमें, पर इस जो सिंधु घाटी मिलता है, जो सिंधु दिखाया जाता है, सिंधु ये सिंध प्रांत, सिंधु सिंधु नदी के तट पर मिला सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मिलता है, जो यहाँ पर दिखा है हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के साथ जो इसको। और उसके बाद जो चार्ल्स मैसन जो पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के मिलता है उसके पुनः फिर से दोबारा से 1853 में हड़प्पा स्थल पर एक और विद्वान जाते हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को हड़प्पा से कुछ लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब सरकार जो इसको लिपि प्राप्त हुआ, तो सरकार ने देखा कि यहाँ पर जो सभ्यता है बहुत पहले से पुराना प्राचीन सभ्यता है, वहाँ के लोग जो थे एक नगरीय सभ्यता के तरह जाना जाता है। हिंदू को जो सिंधु घाटी सभ्यता जो इसको एक नगरीय सभ्यता के तौर पर देखा जाता है, तो वहाँ देखा कि लोग जो समृद्धशाली है और वहाँ की जो सभ्यता था एक नगरीय सभ्यता था, जो एक नदी किनारे बसा हुआ था, जो दिखा जो सिंधु नदी के किनारे बताया जाता है। जब 1875 को तो अलेक्जेंडर साहब ने क्या किया, वहाँ पर लिपि के जब खोज किया तो अलेक्जेंडर जो विद्वान थे उनको अनुसंधान विभाग में नियुक्त किया गया। उनको बोला गया कि से आप इस सभ्यता को पूरी तरह से अनुसंधित कीजिए और इस पर पूरी तरह से सोच विचार कर इसका रिपोर्ट दीजिए। तो अलेक्जेंडर कनिंगम अपने रिपोर्ट में ये बताते हैं कि यहाँ से जो लिपि प्राप्त हो बहुत ही प्राचीन लिपि है, वहाँ के जो लिपि है खरुष्टी लिपि अपनाए थे, जो वहाँ ये जो है लगभग बोला जा रहा है 2500 वर्ष पुराना हड़प्पा जो है बहुत 2500 वर्ष पुराना सभ्यता के बारे में, ठीक ना। इसके तो ये में देखा है बहुत पुराना है, उस समय के जो लोग जो थे वहाँ के लोग जो उस समय कोई सभ्यता नहीं था, एक हड़प्पा सभ्यता था जिसमें लोगों ने एक नगरीय सभ्यता बनाया था। वहाँ के लोग क्या था कि वहाँ के लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्य करते थे, अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पर लोग कृषि कार्य को ही प्रधानता दिए थे। वहाँ के लोग कृषि कार्य के लिए जो सिंधु नदी होता था उससे पानी उपयोग करते थे, और वहाँ के जो तालाबें थी, जो वहाँ की रोड थी, पूरी से अभी आधुनिक समय के अनुसार उस समय मैंने देखा गया कि जो अभी जैसा योजना नहीं है, उस समय को वैसा योजना था। तो वहाँ का जो सभ्यता जब प्राप्त हुआ तो वहाँ का देखा गया कि हड़प्पा में दो स्थल प्राप्त हुआ हड़प्पे से, एक सिंधु नदी के दो स्थल, जो एगो तो हड़प्पा पहले से जो हड़प्पा की खोज पहले बताया जाए, दूसरा जो मिला एक मोहन जोद्रो है। ये हड़प्पा और मोहन जोद्रो ये दोनों को देखा गया तो दोनों अपने से विपरीत राजधानी था, मतलब कि कभी इसका वो राजधानी कभी उसका, मतलब दोनों को जुड़वा राजधानी बोला गया, दोनों को जुड़वा राजधानी बोला गया बाद में जुड़वा राजधानी
क्योंकि जुड़वा राजधानी इसलिए क्योंकि कभी देखा जाता था तो हड़प्पा कभी इसका मोहनजोदड़ो का राजधानी और मोहनजोदड़ो कभी हड़प्पा का राजधानी हो जाता था। और उसकी जो दूरी बताया जा रहा है, दूरी दोनों को दूरी 670 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो 670 किलोमीटर सॉरी किलोमीटर दूरी बताया जा रहा है जो दोनों की दूरी थी, जो दोनों की जो दूरी थी और दोनों से जो रास्ते गुजरते थे उसको राजपथ मार्ग कहा गया। उस समय के जो नगर था जो अभी के समय में आधुनिक हम जो देखते हैं अभी आधुनिक जो नगर निगम देखते हैं उस समय वही नगर निगम नगर पालिका के तौर पर जाना जाता था। जो उस समय नगर जो इसको कहा गया कि हड़प्पा जो इसमें नगरीय सभ्यता को बताया गया जो हम सब देखते हैं नगर निगम जो अभी के जो एक शहरी व्यवस्था है नगर निगम जो अभी शहरी व्यवस्था बताया जा रहा है उस समय भी ऐसा ही व्यवस्था था। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी आधुनिक समय में देखेंगे तो हर जगह कूड़ेदान है, जो अभी कचरा रखने के लिए कूड़ेदान इस्तेमाल किया जाता है, नाले बनाए जाते हैं, जो रास्ते क्या था पानी जाने की सुविधा वो होती थी। और जो अभी के देखे थे बोर्डिंग के जरिए, तो उस समय क्या होता था कि इंडा के जरिए जो इंडा होता था तालाबें होती थी उससे हम लोग सिंचाई करते थे। उस समय के लोग जो थे यही प्रणाली को अपनाते थे, यही प्रणाली को अपना कर अपने जीवन को जीवन यापन करते थे। वहाँ के लोग तो अपने वहाँ के लोग ये भी देखा कि स्नानागार मिला, स्नानागार जो मिला कि उसकी जो देखा गया था स्नानागार बहुत ही जो अभी आधुनिक समय में वैसा स्नानागार नहीं प्राप्त हुआ जो पहले स्नानागार मिला हुआ था। तो जो अभी आधुनिक में हम लोग देखते हैं कि स्विमिंग पूल देखते हैं, जैसे अभी लोग अपने जाने के स्विमिंग पूल नहाने के लिए देखते हैं, उसी तरह उस समय स्नानागार इसलिए क्योंकि जो लोग पहले ज़्यादातर धर्म को मानते थे, जो लोग पूजा पाठ करते थे उस स्नानागार में स्नान कर ही होमन में अपना होमन कुंड करते थे। पहले होमन करने के लिए पहले उसमें स्नानागार पर स्नान करना पड़ता था, उसके बाद ही वो होमन करते थे। उसके बाद एक और प्रमाण मिला था अन्नागार, ये दोनों जो प्रमाण मिलता है हड़प्पा से नहीं मोहनजोदड़ो से मिलता है, दोनों कहाँ मोहनजोदड़ो से मिलता है, एक अन्नागार है वो स्नानागार मिलता है। अन्नागार जो था तो उस समय जो कृषि से जो फसल उपजाई जाती थी वो सभी फसल को एक अन्नागार में रखा जाता था, बहुत विशाल अन्नागार होता था जिसमें फसल उपजाकर उसको संचित कर रखा जाता था किसके उसका भाई ना सालों साल हम क्या कर सके उपयोग कर सके उसे यूज कर अपने आप को, माने कि जैसे कि बरसात हो चाहे कोई ऐसा अनहोनी हो गया माने कोई आपातकालीन घटना हो गया उस समय इसका हम आसानी से उपयोग में ला सके, इसके लिए अन्नागार बहुत विशाल अन्नागार था। एक और अन्नागार का ये भी ज़्यादा माने था कि अभी उसे भूकंप रोधी बनाया गया था, वैसा अन्नागार जो अभी के समय में नहीं देखा जाता है। उसमें जो अन्नागार जो बनाया बहुत सोच समझ के अब एक वास्तुकार के हिसाब से उसका जो दरवाज़ा था एक मोटे पल्लेदार दरवाजा जो पत्थरों का बना हुआ था एक वास्तुकार हिसाब से पूरी तरह वास्तु के हिसाब से बनाया गया था। एक और देखे थे वहाँ का सड़क योजना जो था वहाँ के एक त्रिभुजकार देखते थे कि एक पासे की तरह जो हम देखते पहले जो पासा जो होता है पासा हम लोग खेलते हैं ये पासा जो होता है जो देखते हैं कि चारों तरफ से जो त्रिभुजकार एक ये है कि समकोण माने इस तरीका से ये जो समकोण देखते हैं इस समकोण टाइप का उस समय के था जिसे इधर से रोड जाता था बीच में क्या था नगर बसा हुआ था एक समकोण त्रिभुज का जो समकोण बताया जा रहा है समकोण सभ्यता है ना एक माने कि एक रंग जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि लाइक ले लीजिए आपको सर्कस जो होता है सर्कस उसी तरह का था। उस समय चारों तरफ तंबू जो लोग जो वहाँ गए थे होते थे सब तरह से घर आए एक बीच में सर्कस टाइप का जो लगा होता तंबू टाइप का उसी तरीका का उस समय का सभ्यता था। और एक और इसके वहाँ का जो नल जल योजना था वो बहुत ही माने कि एक समृद्धशाली योजना बताया जाता है। नल जल योजना में जगह जगह पर कुएँ तालाबें बनाई गई थी तालाब बनाया गया था जो वहाँ से क्या करते लोग आसानी से पानी अपने सिंचाई के लिए और पीने के लिए अपने पशु को चारा देने माने पशु को पिलाने के लिए भी वहाँ पर लोग अपने पशु को लेकर जाते थे, तालाब से पानी पिलाते थे और कुआँ था जिससे क्या करते स्वच्छ जल लेकर यूज कर सके उपयोग में ला सके। इसके बाद हड़प्पा से और देखते हैं कि हड़प्पा जैसे हुआ तो उसमें हड़प्पा सभ्यता को जैसे स्थल मिला पर
पर इसमें देखा गया कि हड़प्पा जो स्थल का चार्ल्स मैसन के द्वारा इसके महत्वपूर्ण साक्षी मिले, पर उत्खनन जो खनमाया था सबसे सर्वप्रथम उत्खनन करने माने वाला है वो है दयाराम सहनी। इसको कहा गया दयाराम सहनी के द्वारा, यहाँ पर लिख लेते हैं हड़प्पा का जो उत्खनन करवाते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करता है उत्खननकर्ता माना जाता है, उसको माना जाता है दयाराम सहनी को। दयाराम सहनी इनको माने, इन्हीं की उपस्थिति में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। इन्हीं की उपस्थिति में पहले तो खोज साक्षी तो उनको मिला था चार्ल्स मैसन को, पर देखा गया कि जब गए तो 1921 में, ये जो खोज होता है 1921 में इसका उत्खनन करते हैं, 1921 में इनका उत्खनन होता है चार्ल्स मैसन को साक्ष्य जो प्राप्त होता है 1826 में प्राप्त होता है। 1826 में चार्ल्स मैसन साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वहीं 1921 में जाकर कौन दयाराम सहनी ने जाकर खोदा तो उसे प्राप्त हुआ, उसे देखा गया कि जो हड़प्पा से बहुत एक महत्वपूर्ण ईंटें मिले, ईंटें से जो उसकी जो मोटाई होती थी अभी के तुलना में देखा जाए तो बहुत ही प्रमाणिक थी। अभी के देखा जाता था तो उसकी जो मोटाई होती बहुत ही कम मात्रा में, और उस समय की जो उसकी मोटाई ईंटे की जो मोटाई होती थी इसकी चौखट्टी इस टाइप की ईंटे की आकार होती थी, ईंटे की आकार होती थी। ये सब देखा, ये सब मिला उस समय जो, और उसकी जो बर्तन की जब खोज हुई तो बर्तन में देखा गया जो लाल मिट्टी होता उसके पकाया हुआ मिट्टी का बर्तन का साक्ष्य मिला बर्तन। उसके बाद फिर देखा गया जैसे जैसे उत्खनन होते गया, जैसे जो क्षति जब उत्खनन हुआ, जैसे उत्खनन उत्खनन जो हुआ था क्षतिज हुआ था, क्षतिज इस तरीके से मैंने कि क्षतिज का मतलब पूरा लंबा लंबी, इस तरीके से उत्खनन होता गया देखा गया था कि सब जगह जैसे उत्खनन करते गया था धीरे धीरे जब देखा गया तो भीतर से जो दबा हुआ चीज था वो निकल कर बाहर आ रहा था। तो इसे प्रमाणित हो गया, इसे ये साबित हो गया कि ये सभ्यता जो है बहुत ही पुराना सभ्यता है, ये सभ्यता है जो बहुत ही पुराना सभ्यता है। बाद में बहुत सारे विज्ञानों के मत के अनुसार, बहुत सारे विज्ञानों ने अपना अपना मत के अनुसार कहा कि हड़प्पा जो सभ्यता है एक सिंधु नदी कोई बोला, और ये भी मत था कि हड़प्पा सभ्यता की ख़त्म कैसे हुआ। हम तो देख ली कि हड़प्पा सभ्यता मिला, हड़प्पा सभ्यता ऐसे पाकिस्तान से मिला हुआ है जो अभी हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के एक लड़काना जिला में मिला था पाकिस्तान के, जहाँ पर वो गया था वहाँ पर देखा तो उनके अनुसार जब लड़काना जिला में इसे सभ्यता मिल गया तो वहाँ के लोगों ने कुछ मतों के अनुसार वहाँ के लोगों ने कहा कि हड़प्पा जो है बहुत ही पुराना प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के वहाँ के लोग जो ये मानते थे कि लोग एक हड़प्पा को जो हड़प्पावासी थे, जो वहाँ हड़प्पा के लोग जो थे एक निचले स्तर पर, एक माने नीचे वाला स्तर पर जो उनका मध्य जो बर्थ और कास्ट था वो ऊपर में रहते थे, और उसे जो गरीब जो होते थे माने जो निचले वर्ग के थे वो नीचे माने हमेशा नीचे बास करते थे। एक वहाँ का राजा जो मतलब पुरोहित राज जो शासन जो हड़प्पा में शासन बताया जा रहा है वो पुरोहित राज का, ये जो पुरोहित राज है वही का इन्हीं को शासन बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए बताया जा रहा है कि वहाँ पर देखा गया पुरोहित राज का एक कपाल मिला उसके कपाल में ऊपर से जो उसकी मुकुट थी वो मिला, तो उसे ये साबित हो गया कि हड़प्पा जो है उस समय पुरोहित राज के मन अंदर में था। अब पुरोहित राज ही नहीं वहाँ पर क्या अपना राज करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।